नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा। भारत टिकटॉक को बैन कर सकता है, लेकिन टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म भारत नहीं बना पाया। क्यों? क्योंकि हम डिजिटली लावारिस हैं। चीनी ऐप मिला, डाउनलोड कर लिया। पाकिस्तानी मिला, डाउनलोड कर लिया। रूसी, बांग्लादेशी, जहां से जो मिला डाउनलोड कर लिया, क्योंकि हम मदारी के वो बंदर हैं जो नाच तो सकते हैं लेकिन मदारी नहीं बन सकते। कल को अगर अमेरिका से खटास हो जाती है तब हम क्या करेंगे? तब क्या हम फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सब बैन कर देंगे क्या? भाई, वोकल होने के लिए पहले लोकल बनाना पड़ेगा, लेकिन लोकल में हम जलेबी, समोसे और पकौड़ी बनाने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। अब आपका सवाल होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, तो मैं सच बोल रही हूँ। जिनको बुरा लग रहा होगा वो भी वीडियो आखिर तक देखें, और जो देखते हैं, जिन्हें अच्छा लगता है वो तो देखेंगे ही। अब इसका जवाब छिपा है 65,000 करोड़ के शिक्षा बजट और 60,000 करोड़ की चुनावी भाषणबाजी में। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पैसा मंत्री बनकर, भ्रष्टाचार करके, प्रॉपर्टी डीलिंग में खून खराबा करके, उद्योगपतियों के पैसे पर सत्ता हासिल करके, और फिर उन्हीं उद्योगपतियों के हाथ में देश सौंप कर कमाया जा सकता है। और पैसे कमाने के ये भारत के पारंपरिक और धूर्ततापूर्ण तरीके हैं। लेकिन 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 पैसे कमाने के दूसरे रास्ते भी हैं, ये चीन ने साबित कर दिया है। चीन के 59 ऐप भारत ने बैन कर दिए हैं, लेकिन चीन ऐप से कितना कमाता है ये जानकर आप हिल जाएंगे। $40 बिलियन। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। चीन टिकटॉक, यूसी ब्राइजर और वीचैट जैसे ऐप से $40 बिलियन एक साल में कमाता है। इसको अगर भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो हो जाता है करीब 3,000 अरब रुपए सालाना। क्या आप सोच सकते हैं चीन ऐप के व्यापार का कितना बड़ा माफिया है? भारत में मोदी सरकार आने के बाद एक इंटरनेट क्रांति आई, और इस क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा चीन को हुआ। 2016 के बाद से चीनी ऐप्स की कमाई 140% बढ़ गई। दोस्तों, मोबाइल गेम्स से पैसा कमाने में चीन आज नंबर 1 पोजीशन पर आ गया है। चीनी कंपनी टेंसेंट के गेम एरेना ऑफ वेलोर ने सबसे ज्यादा कमाई करके दी है। 2018 और 2019 में इस गेम ने $728 मिलियन चीन को कमा कर दिए हैं। हैरानी हो रही है ना? कमाई के लिहाज से चीन की टेंसेंट आज दुनिया की नंबर 1 ऐप डेवलपर कंपनी हो चुकी है। हमारे और चीन में यही फर्क है। हमारी मीडिया नेताओं के आगे दुम हिलाती रहती है। आप सोच कर देखिए, शाम को टीवी पर क्या देखते हैं आप? राहुल के बयान पर मोदी का पलटवार, फौलादे नेता अपने बयान से पलटे, चुनावों की सरगर्मी तेज, जातिगत समीकरण किसके पक्ष में है, शौचालयों में घोटाला, सपना चौधरी के गानों की धूम, तो तैमूर ने आज किस रंग की चड्डी पहनी, वगैरह वगैरह। हम और हमारा मीडिया इससे ऊपर सोच ही नहीं सकता। चीन दुश्मन है और चीन को सबक सिखाना चाहिए, लेकिन उससे सबक भी सीखना चाहिए। सोच कर देखिए, हमारे दुश्मन चीन की केवल ऐप से कमाई 300 अरब रुपए है, भारत का कुल बजट 28 लाख करोड़ है। क्या आपको मालूम है कि भारत के कुल बजट से ज्यादा चीन केवल अपनी शिक्षा पर ही खर्च करता है? भाई, यानी भारत का कुल बजट 28 लाख करोड़ है और चीन अपने देश के बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर 29 लाख करोड़ रुपए खर्च कर देता है। हमारे देश में अपने देश के बच्चों को पढ़ाने के लिए मात्र 65,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाता है, उसमें भी 75 घोटाले सामने आ जाते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जितना घोलोगे उतना ही तो मीठा होगा ना। जितनी पढ़ाई लिखाई कराओगे, जितनी सुविधाओं दोगे, उतना ही तो देश होनहार बनेगा ना। ऐसा ही नहीं कि हमारे देश के युवा चीनियों की तरह गजब से गजब ऐप नहीं बना सकते हैं। बना सकते हैं, लेकिन उनको वैसी शिक्षा तो मिले। शिक्षा इतनी महंगी है कि इंजीनियरिंग पढ़ना गरीब के बस की बात ही नहीं है। भाई, 5 से 7 लाख रुपए देकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है और पहली नौकरी मात्र 12,000 रुपए की। ये हालत है भाई। 10वीं से नीचे के स्कूलों की ये हालत है कि यूपी में एक अनामिका नाम की टीचर के डॉक्यूमेंट पर 25 टीचर अलग अलग स्कूलों में पढ़ा रही थी। वाह, ये व्यवस्था दी है हमारी सरकार ने। और पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया, सोच कर तो देखो। सच यह है कि हम चीन से बहुत पीछे हैं। हम रैलियों में करोड़ों बहा देंगे, हम कोरोना के महासंकट के बीच भी वोटर खोजने के लिए करोड़ों खर्च करके डिजिटली रैलियां कर लेंगे, उद्योगपति चुनाव लड़ाने के लिए अरबों बहा देंगे, लेकिन शिक्षा की हालत ठीक करने के लिए कोई सामने नहीं आएगा। हम जितना नेतागिरी चमकाने में खर्च करते हैं उतना शिक्षा पर खर्च करने लगे तो क्या से क्या नहीं हो जाएगा। ये एक और आंकड़ा सुन लीजिए, सुनकर शर्म से पानी पानी हो जाएंगे कि हमें ऐसी सरकारें विश्वगुरु बनाने का सपना दिखाती हैं।
2019 के लोकसभा चुनाव को अभी करीब 1 साल ही हुआ है। चुनाव लड़ने के लिए कितना खर्च हुआ मालूम है आपको? इधर आइए। 60,000 करोड़ से ज्यादा। और सरकार हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए साल का 65,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। अब सोचिए और आंखें खोल कर देखिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या राय रखते हैं ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और हाँ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।